गर्मियों का सीजन है और इस सीजन में आइसक्रीम खाना हमें बहुत पसंद आता है। तो फिर चलिए बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज करके हम वेनिला आइसक्रीम बनाएंगे, वो भी बिना एसेंस के। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि देशवास, खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे एक पैन गरम करेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 लीटर फुल फैट मिल्क। अब हम मिल्क को इस तरह से चलाते हुए एक उबाल आ जाने देंगे। जब मिल्क में से एक उबाल आ जाए तब हम 3-4 चम्मच के करीब मिल्क को हम अलग से बाउल में निकाल लेंगे। मिल्क में एक अच्छा सा उबाल आ गया है, अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, देन इसे 10 मिनट के लिए बॉइल कर लेंगे ताकि मिल्क जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे जो हमने मिल्क को बाउल में निकाल के रखा था इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये कस्टर्ड पाउडर आपको हर किसी ग्रोसरी शॉप में इजीली मिल जाएगा और ये कस्टर्ड पाउडर मैंने वेनिला फ्लेवर के लिए है क्योंकि हम वेनिला आइसक्रीम बना रहे हैं। अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स। यहाँ पे 10 मिनट के करीब हो गया है, दूध यहाँ पे गाढ़ा हो गया है, आपको दिख रहा होगा। जो भी साइड में लग जाए ये देखिए इस तरीके से हम इसे निकाल के मिल्क में मिक्स करेंगे क्योंकि यही वो चीज है जो हमारी आइसक्रीम को क्रीमी बनाएगा। अब हम इसमें कस्टर्ड वाली मिल्क को ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। जब अच्छे से मिक्स हो जाए देन हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच ली है क्योंकि आइसक्रीम खाने में थोड़ा मीठा ही ज्यादा अच्छा लगता है, फिर भी आपको अगर मीठा कम या ज्यादा पसंद हो तो उस हिसाब से ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए हम 2-3 मिनट और कुक करेंगे क्योंकि हमने चीनी ऐड की है। चीनी को मेल्ट हो जाने तक हम दूध को चलाते रहेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालते ही मिल्क थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। हम यहाँ पर और कुछ क्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से बहुत ही इजीली आइसक्रीम आप घर पे बना सकते हैं, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। 2-3 मिनट जब हो जाए हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी मिल्क की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे कैसे थोड़ा गाढ़ा हो गया है। ये देखिए ठंडा होने के बाद मिल्क इसे और भी गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 दिन की मलाई, यानी कि 3 लीटर मिल्क की मलाई जो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। पहले इसे अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, देन हम इसे मिल्क में ऐड करेंगे। इसे डालने से हमारी आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा टेस्टी क्रीमी बनकर के तैयार होगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मलाई यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे ले लेंगे एक एयरटाइट कंटेनर जिसमें हम आइसक्रीम जमाएंगे। अब हम इसमें मिल्क को डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर आइस ना जमे उसके लिए हम एक कवर लगाएंगे प्लास्टिक सीट की। आपके पास कोई भी प्लास्टिक सीट हो या फिर सिल्वर फॉइल हो, किसी से भी आप इसे कवर कर सकते हैं। तो आइसक्रीम मिक्स के ऊपर हम टच करते हुए इस प्लास्टिक की सीट को ऐड करेंगे, देन इसके ऊपर हम कवर लगा लेंगे। अब हम इसे फ्रीजर में रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। ये देखिए 3 से 4 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ आइसक्रीम यहाँ पे जम गया है। इसे हम निकाल के ब्लेंड करेंगे ताकि हमारी आइसक्रीम क्रीमी बने। ये मैंने सारा आइसक्रीम को ब्लेंडर में डाल दिया, चलिए इसे ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए आइसक्रीम यहाँ पे कितना स्मूथ बन गई है, बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे। अब हम इस आइसक्रीम को डाल देंगे फिर से उसी एयरटाइट कंटेनर में।
अब हम इसके ऊपर फिर से लगा देंगे ये प्लास्टिक के सिप, ताकि आइसक्रीम के ऊपर आइस क्रिस्टल ना आए। अब हम इसे फ्रीजर में 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं हमारी आइसक्रीम को। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है, आप देख सकते हैं। चलिए इसे निकाल के मैं बाउल में आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगा है इस आइसक्रीम को बनाने में। आपको जब मन करे आइसक्रीम खाने का तो घर पे आप इजीली बना करके खा सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया क्रीमी आइसक्रीम बन करके हमारे यहाँ पे तैयार हुई है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनी थी जब मैं इसे बनाई थी। इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे कुछ बादाम, पिस्ता एंड चेरी के साथ। तो ये आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।